हमारे दर्शकों को आज आप क्या दिखाने वाली हैं? थाली पीट पिज्जा। थाली पीट पिज्जा, और दूसरी डिश क्या है? भागर और सत्तू का पोरेज। भागर और सत्तू का पोरेज, ओके। मुझे सिर्फ इतना बताइए, हम सबसे पहले थाली पीट पिज्जा बना रहे हैं ना? हाँ। ओके, मुझे इसकी सामग्री बताएंगे क्या क्या है? ये थाली पीट की भाजी है, उसके बाद शिमला मिर्च के टुकड़े हैं, ओके, और स्प्रिंग अनियन है, गाजर, किसा हुआ बीट, लाल मिर्च, नमक, अजवाइन और अचार। अचार नींबू का? नींबू का, कोई भी अचार आप ले सकते हैं, पसंद के अनुसार। चटनी भी चलेगी, नींबू का अचार चलेगा, तीखा मीठा कोई भी, और चीज स्प्रेड लिया है इसलिए हमने। हाँ। सामग्री हमने देख ली है, अब हम चलते हैं सीधे विधि की तरफ। आपको बाउल चाहिए ना? हाँ। हम सबसे पहले आप एक जुट कर लेंगे ना इसे? ये आटे की भाजनी है, अभी ये भाजनी घर पे बनाई है। अच्छा। इसमें दो तिहाई भाग धान, तृण धान, और एक तिहाई भाग कड़धान है। ओके। अगर आप आसानी से ये घर पे बना पाए तो अच्छा है, नहीं तो आप बाहर से भी लाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, मुझे फिर से एक बार बताइए हमने इसमें क्या क्या मिलाया है। दो तिहाई भाग कड़धान, नहीं तृण धान, मतलब जिसमें भगर, सत्तू और कॉर्न, इन सब का समावेश है उसमें। ओके, ओके, ओके। और एक तिहाई भाग कड़धान है जिसमें पूरा कड़धान है, मतलब कि मूंग है, हमने उसे ग्राइंड कर लिया है। अब भून के अच्छे से चक्की में पिसवा के लाना है। ओके, ओके। ऐसे अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो बाजार में भी मिलता है, आप वो खरीद सकते हैं वहाँ से। चम्मच है वहाँ पे? हाँ। तीखा पसंद अनुसार डालना है इसमें, जितना चाहिए। हाँ, तीखा तो चाहिए, खाने वाला मैं ही हूँ ना। थोड़ा सा अजवाइन, मतलब तीखा खाने के बाद तकलीफ ना हो इसलिए अजवाइन। सब एक साथ ही है ये। अभी ये हम पानी में भिगो लेंगे। हमारा आटा अभी तैयार है, और ये कपड़ा हमने लिया है, क्यों लिया है ये कपड़ा हमने? उस पे अभी हम हमारा थाली पीट। अच्छा, ये बात है। हाँ, ज्यादा जब करना हो तभी एक ही पैन में हम काम कर सकते हैं, नहीं तो दो दो तीन तीन पैन का इस्तेमाल करना पड़ता है हमें। ओके, वैसा ना करके अगर हम गीला कपड़ा लेते हैं तो काम आसान हो जाता है। आपको ये सूझा कैसे कि थाली पीट बना के उस पर ये सारी चीजें मिलानी है? वो ऐसा है कि ये जो आज की यंग जनरेशन है, उन्हें कोई भी पुराने व्यंजन है तो वो नहीं चाहिए, अभी उनको उनके हिसाब से करेक्ट नया कुछ चाहिए होता है। और फिर पिज्जा जैसी चीजें उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन थाली पीट जैसी चीजें खाना कहें तो उन्हें पसंद नहीं आता है, फिर ऐसे लगता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन क्यों ना बनाया जाए। करेक्ट, एक तरफ अगर ये हो जाए तो हम इसे उल्टा कर देंगे। गैस जरा धीमा, गैस कम कर दूं? हाँ, हो गया। अभी हम ये तैयार अचार है ना, आप इस पे कोई भी मीठा तीखा आपकी पसंद के हिसाब से अचार ले सकते हैं। टोमेटो सॉस की जगह पे हम अचार इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट, जो इजीली अवेलेबल। इजीली अवेलेबल। अभी इसमें हमने एडिशनल, अभी एक एक क्रम से ये सब्जियां उस पे डालनी है हमें। बीट है, अभी शिमला मिर्च, शिमला मिर्च है, पिज्जा अगर कहें तो शिमला मिर्च चाहिए। इसीलिए हम शिमला मिर्च ज्यादा डाल रहे हैं। इसके बाद इसमें ये गाजर है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें इसे रंगीन बनाना, रंगीन करने वाले हैं, और जितना नैसर्गिक रंग हम खाएंगे उतना ही अच्छा है, इसीलिए ज्यादा करके इसमें नैसर्गिक रंग की सब्जियां भरनी चाहिए। ओके, हमें ओके। मतलब समझो मेरे जैसा अगर कोई होगा तो सिर्फ थाली पीठ ही खाएगा, इसीलिए हम उस पे पिज्जा डालेंगे। ये अभी स्प्रिंग अनियन है, ये प्याज है, बीच में नहीं डाल रहे हैं, साइड से डाल रहे हैं, ऊपर से। ओके, उससे बाहर अच्छे से डेकोरेट करेंगे। इस पे पिज्जा है तो बिना चीज के तो पिज्जा पूरा होता नहीं है। करेक्ट, ये चीज स्प्रेड है, ये हम इसके ऊपर डालेंगे। चीज स्लाइस है, चीज स्लाइस है। लेकिन मान लीजिए चीज पिघल गया तो? ये पिघलना ही चाहिए, इसीलिए अच्छा, तो हमने चीज स्लाइस लिए है ना, क्यूब अगर लिए तो वो अच्छे से पिघलते नहीं है, स्लाइस पिघल जाता है जल्दी से। पिघलता है,
अब इस पे 2 मिनट तक ढक्कन रख देते हैं। इसे ढक देने से क्या होगा? एक उससे 2 मिनट में भाप आ जाएगी ना, बाकी सब सब्जियां तो कच्ची ही लेनी है। एक थोड़ी सी भाप आ जाएगी तो थाली पेट के नीचे का हिस्सा जो है वो पक जाएगा और वो तैयार हो जाएगा। ओके, हमारा थाली पेट पिज्जा तैयार है, आप भी लिखने की तैयारी कीजिए। लिख लीजिए सामग्री और विधि। थाली पीट पिज्जा बनाने के लिए लगने वाली सामग्री: थाली पीट की भाजनी, शिमला मिर्च के टुकड़े, स्प्रिंग अनियन, किसा हुआ गाजर, किसा हुआ बीट, लाल मिर्च, नमक, अजवाइन, अचार और चीज स्प्रेड। विधि: पहले एक बोल में भाजनी का आटा, नमक, लाल मिर्च, अजवाइन और पानी मिला के आटा गूंद लें और थाली पीट को हाथ से दबा दें। पैन में तेल गरम करके थाली पीट को पलट दें, उस पे अचार स्प्रेड करके लें और ऊपर से किसा हुआ बीट, शिमला मिर्च के टुकड़े, किसा हुआ गाजर, प्याज और स्प्रिंग अनियन मिलाएं। ऊपर से चीज के टुकड़े मिला के थाली पीट को भाप पे पका लें।